की तरह। खतरनाक भवनों को लेकर नगर निगम कितना धीर गंभीर है, इसकी वानगी इमली बाजार के एक भवन को देखकर पता चल सकती है। यहाँ पर नगर निगम खतरनाक भवन को गिराने की बजाय सिर्फ नोटिस पर नोटिस देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इमली बाजार मेन रोड पर छोटेलाल चंपालाल का मकान नगर निगम द्वारा काफी समय से खतरनाक घोषित किया जा चुका है। नगर निगम हर वर्ष अनेक बार नोटिस पे नोटिस देकर भवन को खतरनाक तो बता रही है, किंतु इसे तोड़ने की कार्यवाही नहीं कर रही, जिससे यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों एवं आम राहगीरों की जान माल का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में नगर निगम के वार्ड 57 की बिल्डिंग इंस्पेक्टर राज ठाकुर ने कहा कि फिलहाल नाला टैपिंग के कार्य में हम लोग व्यस्त हैं, शीघ्र अतिशीघ्र खतरनाक भवनों का जमींदोज करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। क्रमांक कौन सा जोन है? जोन 3 है ये। कौन कौन से वार्ड इसके अंतर्गत आते हैं? 56, 57, 58 तीन वार्ड आते हैं हमारे पास, इंदौर का मध्य क्षेत्र है। जी जी, इमली बाजार सर कौन से वार्ड में आ रहा है? 57 नंबर वार्ड में आता है सर। इमली बाजार मेन रोड पर देखे गए हैं कि कुछ भवन बड़े खतरनाक है और उनमें पेड़ वगैरह भी उग गए, वहाँ से मतलब नीचे मटेरियल भी गिर रहा है, लोग परेशान भी होते हैं और नगर निगम कई बार नोटिस भी दे चुका है, तो सर ऐसे भवन के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, इसका क्या कारण अभी तक नहीं हो रही कार्रवाई? अभी हमारे पहले उन पर कार्रवाई हो भी चुकी है, बहुत सारी नोटिस कार्रवाई संबंधित सारी कार्रवाई उन पर कर चुके हैं और जल्दी उन पर कार्रवाई भी करेंगे। अभी मैक्सिमम फोकस हमारा नाला टेपिंग संबंधित फोकस जो चल रहा है, तो अभी वहाँ पे हमारी कार्रवाई प्रस्तावित है, वहाँ पे करेंगे थोड़े दिन में। सर अभी लगातार पिछले कुछ दिनों से मटेरियल ऊपर से नीचे गिर रहा है और वहाँ से सड़क पर निकलने वाले लोग भी भयभीत हो रहे हैं, वहाँ के आसपास के निवासी भी डर रहे हैं उससे, इसको लेकर क्या नगर निगम कुछ ऐसे मकान बिल्कुल आइडेंटिफाई करके हमारे द्वारा पूर्ण चिन्हित करके उनको जो संबंधित कार्रवाई कर प्रस्तावित रहती है वो करवाई जाएगी। आपका नाम ऊपर बता दीजिए। राज नाम है मेरा। जो द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।